हेलो, तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो शायद दो तीन दिन के बाद हमारी वीडियो आ रही है। तो यार मैं मसरूफ था बहुत ज़्यादा, तो चलो यहाँ से निकालते हैं अपनी गाड़ी की चाबी। गाड़ी की चाबी निकाली, अब चलते हैं बाहर। आपको वो अपनी आज थार का बताते हैं भाई। आज हम आपको थार इंस्टॉल करना का तरीका बताएंगे। तो यार थोड़ी सी गेम मेरी लैग हो रही होगी, क्योंकि मेरा ना 1 GB का कार्ड है, तो इग्नोर मारना यार। तो ये खड़ी है भाई हमारी थार, पकड़ते हैं भाई अपनी थार में। हम बैठ चुके हैं, अब निकलते हैं यहाँ से अपने शोरूम से बाहर। तो मैं आप लोगों को बाहर से शोरूम भी दिखा देता हूँ। पहले खड़े हो गए यहाँ पे, थार को यहाँ पे साइड पे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं तरीके आपको बता देता हूँ। ये देखो भाई, ये रहा मेरा शोरूम, मलिक ब्रदर्स कार शोरूम आ गया भाई। इससे सस्ता और भाई भी नहीं, ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है भाई। तो इसका मोड भी मैं थोड़े दिनों में बनाने वाला हूँ, तो टेंशन वेंशन नहीं लेनी। तो अंदर देख सकते हो आप, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं यहाँ पे। ये वो सामने मेरा ऑफिस है, ये रूम हो गया सारा। इस पे मैं डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज छोड़ो, अभी इस पे बनाते हैं अपनी थार पे। तो बैठते हैं अपनी यहाँ पे, अपनी थार में बैठ चुके हैं गाइस हम। तो यार आज की हमारी इंस्टॉलेशन थी कि आपको ये थार चाहिए थी कुछ बंदों को, तो मैंने कहा यार आज थार की वीडियो बना लेता हूँ। मॉडिफाई है ये वाली थार, तो इतना इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये पीछे नंबर प्लेट इसकी लग जाती है, और तो इसमें कुछ भी नहीं है इतना ख़ास। तो चलो यार, अब कुछ लोगों को ये थार पसंद होती है, हम क्या कह सकते हैं। तो फिर चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको इंस्टॉल करने का तरीका बता देते हैं। तो अब मिलते हैं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको सिंपली इंस्टॉल करने का तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस फाइल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों ने उठा लेना है। तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है, इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन यार सिंपल काम है यार, यहाँ से खोल के कर लिया करो। उसके बाद आपने जाना है अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में जाना है। यहाँ पर आपने जाना है मोड्स अपडेट X64 DLC पैक में जाके आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे। ओ सॉरी यार गलत हो गया, यहाँ में इस पे जाके यहाँ पे इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद इसको उठा के फेंकता हूँ मैं यहाँ पे रिप्लेस, हाँ यहाँ पे फेंक दी इसको मैंने। यहाँ पे इसको मैंने ये कॉपी किया, यहाँ से कट किया, और यहाँ पे ओपन IV में गया, विंडो पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा। तो यार सबको करना आता ही है, लेकिन फिर भी यार हम थोड़ी सी वीडियो लंबी करने के लिए कर लेते हैं यार, समझ रहे। तो यहाँ पे आपने जाना है मोड्स में, अपडेट में अपडेट RPF कॉमन डेटा, और नीचे आना है DLC लिस्ट को एडिट करना है आपने। यहाँ पे सबसे नीचे वाले को कॉपी करके राइट क्लिक करके यहाँ पे आपने करना है डुप्लीकेट पे क्लिक, और इसमें जो नाम होगा उसको आप लोगों ने कर लेना है कट, और यहाँ पे सिंपली आपने Ctrl+V दबा देना। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी कार्ड, तो आप लोगों ने चला लेनी है। फिर मैं फिर उसके बाद आपने यहाँ से सेव करना, मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये ऊपर आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। ये मैंने देखो इसको मैंने किया हुआ, तो यहाँ से आप लोगों ने सेव कर लेना है इसको, यहाँ से आप लोगों ने इसको कट कर लेना है। यहाँ पर आपका हो गया काम ख़त्म। तो इसके बाद आपने चले जाना है अपनी गेम में। तो आज हम मिलते हैं अब आपको गेम में। तो कई हम आ चुके हैं दोबारा से अपनी गेम में। तो यहाँ से यार हमारी गाड़ियाँ भी पता नहीं कहीं पे गई हुई, तो अंदर मेहमान भी आए हुए यार, छोड़ो इग्नोर मारो। तो आपको यहाँ पे ना आप गाड़ी से फ़ोन करने का तरीका बता देता हूँ। तो यार ये देखो मेरी फॉर्चूनर यहाँ पे खड़ी है, अभी मॉडिफाई वाली है, लेकिन अभी मैंने मॉडिफाई की भी नहीं है इनको, इनकी चीज़ें वीज़ें मैंने उतारी हैं अभी। यार यहाँ पे आपको ना वो थार स्पॉन करने का तरीका बता देता हूँ, सिंपल सा काम है। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करने के बाद सर्च व्हीकल में जाना, और आपने यहाँ पे नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा MAX MX थार 2021 लिखा होगा, आपने सिंपली इस पर
इंटर मार देना और गाड़ी आपके पास बूम से गाड़ी आ जाएगी भाई। तो उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, व्हीकल ऑप्शन में जाना है आपने, मेन्यू कस्टम में जाना है, इसका रूफ दिखा देता हूँ, ये चेक करो भाई कैसा मस्त है कि नहीं। हाय हाय, रूफ इसका आप हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। ज़्यादातर थार का मैंने देखा रूफ लगा ही होता है भाई, तो अब मैं नहीं लगाऊंगा कुछ भी, इसका छोड़ो। ये ओरिजिनल पर ये कलर वगैरह होते हैं, इनको छोड़ो यार, नीचे आओ। ये गाड़ी थोड़ी सी बैठती, इतनी नहीं बैठती क्योंकि थार है ना भाई। तो इधर प्राइमरी कलर आप इसका रेड कर लो भाई, यहाँ से नीचे आओ, ज़्यादातर रेड ही होती है, मैंने रेड ही देखी है ये चीज़ भाई। अब नीचे आओ, नियॉन लाइट्स आ गई भाई इसकी, ये नीचे देखो, नीचे रोड पे देखो भाई। अच्छा इसके डोर आ गए भाई, इसके डोर ओपन करते हैं आल, ये चीज़ भाई, ओ भाई कमाल, ओए हो, यह चीज़ होगी भाई। विंडो इसकी ब्लैक कर सकते हो आप, ये चेक करो भाई। अच्छा जी नीचे आ गया, एक्स्ट्रा में इसकी आ गई नंबर प्लेट पीछे, ये नीचे वाली नंबर प्लेट आ गई, और ये ऊपर टायर के ऊपर नंबर प्लेट आ गई, बात गई। और इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये था गाइस आज की हमारी इंस्टॉलेशन थी गाइस। और ये शोरूम तो मैंने आपको बता दिया, मलिक ब्रदर्स कार शोरूम। तो इसके भी अगर आपको इसका भी मोड चाहिए हो तो कमेंट में बता दें मुझे, तो मैं आपको दे दूंगा। तो बस यार यही थी हमारी इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन भी थी, स्पॉन करना भी मैंने आपको बता दिया। तो यार होते हैं कुछ दीवाने थार गए, तो मैंने कहा थार भी लेके आ जाता हूँ। तो यार बस चलते हैं अब। यार ठोक दे भाई, ठोक दे, मार ये ले, मार दे ये ले, ये बंदे यार। तो भाई चलो यार अब चलते हैं, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यार लाइक सब्सक्राइब ठोको ना यार गाइस, जल्दी करो यार। तो मिलते हैं, चलो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।